मेरा नाम सैयद जाफर हुसैन, मैं 11th हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम फर्स्ट क्लास का यानी प्रथम कक्षा का पढ़ो आनंद करो में से चिमटी और नाव ये पाठ के बारे में अपन देखेंगे। ये एक अपने को नसीहत करने वाली चीज़ है, ये कि जान किस तरीके से अपन बचाना और दूसरों की हेल्प किस तरीके से अपन करना है। अगर से अपन किसी को भी मदद करें यानी हेल्प करें तो वो अपने को भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक मददगार बन के रह सकता। ये पार्ट यहाँ पे समझा रहा, चिमटी और नाव। एक दिन रवि पाठशाला जा रहा था। एक दिन की बात है, एक लड़का, उसका नाम है रवि, उन्होंने स्कूल को जा रहा था, पाठशाला यानी स्कूल को जा रहा था। नहर में एक चिमटी को डूबते हुए देखा। बाजू के एक तालाब था, ये तालाब में एक चिमटी डूब रही थी। बेचारा वो डूबती हुई चिमटी को देखा था। तभी रवि ने कागज़ की एक नाव बना के पानी में छोड़ी। अब रवि के दिल में हमदर्दी आ गई। रवि सोचा कि मैं ये चिमटी को कैसा भी बचाना है, बोल के सोचा और फौरन अपने बैग में से नोटबुक निकाला, एक पेपर फाड़ के एक नाव बनाया और पानी में छोड़ा। चिमटी नाव पर चढ़कर बैठ गई। अब ये पेपर का नाव आते चिमटी क्या हो गई, ये नाव के ऊपर चढ़ के बैठ गई, यानी जान बचा लेने की कोशिश में ये नाव पे चढ़ के बैठ गई। अब चिमटी तो सोच ली कि मैं जान बचा लेना है, और रवि का मंशा भी ये था चिमटी की जान बचाना है, इसलिए रवि ने तो पेपर छोड़ा उसमें और चिमटी पेपर पे चढ़ गई। रवि ने नाव को किनारे खींचा। अब वहाँ से रवि नाव को क्या करा, एक किनारे पे खींच लिया यानी पानी में, और आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने चढ़ने के बाद वो नाव को किनारे पे खींच लिया। चिमटी नाव से उतर के खुशी खुशी बाहर आ गई। और चिमटी क्या करी, ये नाव पे से उतर के खुशी खुशी, अब तो मेरी जान बच गई, बोल के खुशी खुशी से वहाँ से उठ के आ गई। और रवि भी यहाँ पे खुश हो गया, मैं भी एक की हेल्प करूँ, मेरी जो सहायता से मेरी हेल्प से एक की जान तो बच गई, यानी एक को तो मदद मिल गई, कितनी अच्छी चीज़ है। यह सोच के खुश हो गया। तो यहाँ पे ये पार्ट अपने को क्या समझा रहा, तो अपन एक की मदद करना, वो मदद से सामने वाला खुश होना, ये यहाँ पे अपने को समझाया जा रहा। ये था आज का पार्ट, चिमटी और नाव। ये सिर्फ आपको एक कहानी, नसीहत भरी कहानी है। तो आज ये पार्ट यहाँ पे समाप्त हो रहा।